हेलो फ्रेंड्स, हाय। आज मैं चिली पनीर बनाने जा रही हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स प्रिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम पनीर की क्यूब्स लेंगे। इसके ऊपर हम देगी मिर्च डालेंगे, काली मिर्च पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, कॉर्नफ्लोर डालेंगे जिससे पनीर के ऊपर अच्छे से कोटिंग हो जाए कॉर्नफ्लोर की। इसे अच्छे से हम मिला लेंगे और हल्का सा पानी का छींटा देके इसे भी मिलाएंगे ताकि अच्छे से पनीर में सट जाए। अब इसे हम फ्राई करेंगे गरम तेल पे क्रिस्पी होने तक। इसे पलटेंगे, इसी तरीके से हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। पनीर फ्राई हो गई, अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। एक कढ़ाई में तेल डालेंगे, इसमें अदरक लहसुन डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे कटी हुई। इसे 2 मिनट के लिए सॉटे करेंगे तेज आंच पे। प्याज डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे, हरी वाली, लाल और पीली वाली भी शिमला मिर्च मैंने यहाँ डाला है। अब इसमें सोया सॉस डालेंगे 1 चम्मच, टमाटो सॉस भी डालेंगे 1 चम्मच, इसे भी मिलाएंगे। इसमें हल्का सा पानी डालेंगे। अब 1 चम्मच इसमें वेनिगर डालेंगे और 1/2 चम्मच के करीब चीनी डालेंगे। अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर की स्लरी डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें हम फ्राई किए हुए पनीर डालेंगे और इसे भी मिला लेंगे अच्छे से इस सॉस के साथ। अब इसमें हल्का सा नमक डालेंगे, नमक सॉस में रहता है इसलिए कम ही डालेंगे, और इसे भी मिला लेंगे। मैं यहाँ ड्राई चिली पनीर बनाई हूँ इसलिए इसमें पानी नहीं डाली हूँ। आप अगर चाहें तो आप ग्रेवी रखेंगे तो पानी डाल सकते हैं इसमें। अब हम इसे सर्व करेंगे और इसे स्प्रिंग अनियन से हम गार्निश करेंगे। ये रेडी है। मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। एंजॉय। थैंक यू।